हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से सीबीएसई बोर्ड से संबंधित अपडेट देखने को मिलेगा। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 10वीं बोर्ड में प्रश्नों के कितने मिलेंगे मार्क्स, मार्किंग स्कीम और सैंपल क्वेश्चन पेपर्स कैसे रहेंगे, इस वीडियो के माध्यम से ये संपूर्ण जानकारी मिलेगी। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड छात्रों को प्रश्न पत्र का अंदाज़ा लगाने में मदद करने के लिए हर साल क्वेश्चन पेपर प्रत्येक सब्जेक्ट की मार्किंग स्कीम जो है जारी करता है। शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर जो हैं प्रकाशित कर दिए गए हैं। सैंपल पेपर ऑफिशियल वेबसाइट cbseacademic.nic.in पर और cbse.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022-23 की मदद से छात्र छात्राओं को परीक्षा में पूछे जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का अवलोकन कर सकते हैं। तो आप सैंपल पेपर को कैसे डाउनलोड कर सकेंगे, तो ये स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा। सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना, मतलब ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाना है। वहाँ होम पेज पर जाकर एकेडमिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। सैंपल क्वेश्चन पेपर ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें, फिर उसके बाद SQP 2022 सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022-23 पर लिंक पर कक्षा 10वीं पर क्लिक करें और सब्जेक्ट वाइज सैंपल क्वेश्चन पेपर मार्किंग स्कीम की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। आप जिस सब्जेक्ट के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं उसे डाउनलोड कर लीजिए, साथ ही मार्किंग स्कीम भी डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस है। तो आप अगर 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और सैंपल क्वेश्चन पेपर आप चाहते हैं तो ये प्रोसेस फॉलो करेंगे 1x1, तो अपने मोबाइल से ही क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकेंगे। बहुत से स्टूडेंट इस प्रोसेस को जानते होंगे, बहुत से न्यू स्टूडेंट होंगे जो इस प्रोसेस को नहीं जानते होंगे, उनके लिए ये वीडियो है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।